इन सेल से एल्विश को शिफ्ट किया गया है। एल्विश को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया है। सेलिब्रिटी होने की वजह से हाई सिक्योरिटी बैरक में भेजा गया। ग्रेटर नोएडा जेल में इस वक्त यूट्यूबर एल्विश यादव बंद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को जेल में भेजा गया है और अब उसके सेल बदले जाने की जानकारी मिल रही है। क्वारंटीन सेल से एल्विश यादव को शिफ्ट करके हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया है। वजह है सेलिब्रिटी है और सिक्योरिटी बैरक में इसीलिए भेजा उन्हें गया। इस वक्त ग्रेटर नोएडा जेल में यूट्यूबर एल्विश यादव बंद है और सांपों के जहर के सप्लाई के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट में एल्विश यादव को भेजा था। और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, एल्विश यादव को क्वारंटीन सेल से हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया है। चूंकि यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही वजह है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में उन्हें अब शिफ्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा जेल में यूट्यूबर एल्विश यादव बंद है। 2 दिन उन्होंने बेचैनी में रात गुजारी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को कोर्ट ने आदेश देते हुए ग्रेटर नोएडा की जेल में शिफ्ट करने के लिए कहा था। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 15 मामले को एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। एक बड़ा झटका यहां पर मस्जिद कमेटी को लगा है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 15 मामले को एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। देशी शराब से 1,345 ट्रेटा पैक से भरे हुए 7 ड्रम जब्त किए गए। बिहार में यह अवैध शराब बेची जानी थी। कोरियर कर्मचारी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। ये देखिए कोरियर कर्मचारी जिसकी गिरफ्तारी हुई और ये वो ड्रम जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। करीब 7 ड्रम है। 1,345 ट्रेटा पैक से भरे हुए 7 ड्रम को पुलिस ने जब्त किया है। अवैध देशी शराब जिसकी सप्लाई बिहार में होनी थी लेकिन उससे पहले पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ कर दिया। और लोकसभा चुनाव से पहले देखिए नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 36 लाख से ज्यादा इनामी नक्सली मारे गए हैं। सर्चिंग के बाद जवानों के मौके से AK-47 और कई हथियार भी बरामद उन्होंने किए। मुठभेड़ के गढ़चिरौला के कोला मार्का के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। गमपुर के जंगलों में पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ की। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई। एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के वर्मन ने इस मामले की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा जो कि नक्सली प्रभावित इलाका है और दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में नक्सल और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गमपुर का ये घना जंगल जहां पर मुठभेड़ हुई है, दोनों ओर से फायरिंग हुई और इसमें एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में आपात हालात में विमानों को उतरने का अभ्यास कराया है। आंध्र प्रदेश के बायटला के जिले में आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 16 पर विमानों की आपात लैंडिंग को सफल परीक्षण यहां पर किया गया। बायटला के पुलिस अधीक्षक बकुल जिंदल ने बताया कि किसी भी भावी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए वायुसेना ने अपनी आपात तैयारी को सशक्त बनाने के लिए यह परीक्षण किया है जिसमें 2 मालवाहक विमानों को AN-32 और साथ ही जो डोनियर है उसने हिस्सा लिया है। नेशनल हाईवे 16 पर 4 किलोमीटर लंबी आपात लैंडिंग सुविधा युद्धकाल में विमानों के उतारने के लिए विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेगी।
और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में आधार आचरण संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी विजिल ऐप पर राजस्थान में पहले 48 घंटे में ही 273 शिकायतें मिली हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने से बचते हैं और ऐसे में अपने पास आचार संहिता तोड़ने के सबूत को वो घर बैठे इस मोबाइल ऐप पर अपलोड कर शिकायत भी कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा यानी कि ये जो आम चुनाव है, ये एक ऐप खासा मददगार साबित हो रहा है जो चुनाव आयोग की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका नाम है लोकसभा आम चुनाव 2024। तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की मतगणना की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को निर्धारित मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए एआरओ की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 804 एआरओ नियुक्त किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा 80 और इसके बाद सीकर में मतगणना कार्य के लिए 66 एआरओ लगाए गए हैं। चलिए बात कर लेते पेपर लीक मामले की। दरअसल भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात एसआई को जयपुर एसओजी एसपी ऑफिस लेकर पहुंची है और यहां पर एसओजी ने जगदीश सियाग से पूछताछ की है। इसके अलावा नक्शा मौका यहां पर बनाया और जगदीश सियाग एसपी ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात था। उसकी साल 2014 की एसआई भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक आई थी। अब तक की पूछताछ में जगदीश ने कई राज भी खोले हैं। जगदीश की निशानदेही पर ही मोबाइल को बरामद किया गया, पूछताछ की गई, मौके का मुआयना कर एसओजी की टीम वापस जगदीश सियाग को लेकर जयपुर रवाना हुई है। आगे निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग अलग तय वक्त में टीवी चैनल्स और समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को उम्मीदवार क्यों बनाया गया। चित्तौड़गढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का रिठौला चौराहे स्थित एक रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उदयलाल आंजना ने कहा कि बीजेपी 10 सालों से सरकार में है लेकिन समाज के सभी वर्ग केंद्र की सरकार से हतोत्साहित है। आंजना ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/29 को खत्म करना उनका संसद में पहला मुद्दा रहेगा। साथ ही कहा कि पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ हनुमान जी की पूंछ बना देती है, गरीब किसानों को डरा धमकाकर लाखों रुपए का शोषण करती है। किसानों के लिए लड़ रहा हूं, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। डोला पोस्ट के मामले में भी मैंने सांसद साहब के बयान सुने। ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे? डोड़ी रुपए नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20,000 रुपए की। क्या उस समय ये सांसद नहीं थे तो क्यों नहीं बोले उस समय ये एक भी बार? आज गिरे गए तो हम यहाँ से सरकार मांग करती थी कि हम नष्टीकरण करें, हम रोकते थे इसलिए आपके पैसे बच गए। और भिलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर देखिए बिना गुलाल और रंग के होली अधूरी मानी जाती है। भिलवाड़ा के श्री परम पूज्य माधव अनुसंधान संस्थान ने एक अनूठा संकल्प उठाया है। इसके तहत माधव गौशाला ने निर्णय लिया है कि केमिकल वाली गुलाल से किसी व्यक्ति की त्वचा खराब ना हो, इसके तहत उन्होंने पालक के पत्तों सहित विभिन्न फूलों से प्राकृतिक रूप से हर्बल गुलाल बनाना शुरू किया है जिसके इन दिनों काफी डिमांड भी हो रही है। ऐसे में माधव गौशाला द्वारा पालक के पत्ते, केसुला फूल, बोगान बेल और ये तमाम गेंदे के फूलों से हर्बल गुलाल बनाया जाता है। हर विशेष तौर पर जो है हर साल होली खेलने के लिए गुलाल के पैकेट तैयार किए जाते हैं। होली का त्योहार यानी रंगों का त्योहार,
पर कहीं ना कहीं इन रंगों की जगह केमिकल और हानिकारक कलरों ने ले ली है। पर माधव गौशाला भिलवाड़ा जिले में उन कलरों को पहुंचा रही है, उन रंगों को पहुंचा रही है, गुलाल को पहुंचा रही है, जो मानव के स्किन को कहने के नुकसान नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक रूप से रंग बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हरा गुलाल है पालक से बनाया गया है, ये जो पिंक कलर का जो गुलाबी कलर का कलर गुलाल है बोगान से बनाया गया है, केसुला का भी प्रयोग किया गया है। हर तरीके से ये जो गुलाल है प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं ताकि जो हम रंग खेलें उसके बाद हमें कोई स्किन डिजीज ना हो, हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ना बिगड़े। और जो माधव गौशाला है इन रंगों को बढ़ावा दे रही है ताकि जो होली का त्यौहार है अच्छे से मनाया जा सके, प्राकृतिक रूप से मनाया जा सके। हमारे साथ राजेश है, बात करेंगे, इस पूरी सेवा में सहयोग देते हैं, किस किस प्रकार के कलर और कैसे बनाए जा रहे हैं और कब से बनाए जा रहे हैं। पिछले विगत 5 सालों से यहाँ पे ये नेचुरल कलर बनाया जा रहा है, क्योंकि बाजार में जितने भी कलर आ रहे हैं वो सारे केमिकल ही है, जिससे त्वचा और बालों पे बड़ा इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए संस्था ने निर्णय किया था कि क्या हम लोग नेचुरल कलर को डेवलप कर सकते हैं, तो बोगान की बेल से, गेंदे के फूल से, केसुला के फूल से और पालक से यहाँ पे 4 तरीके की वेराइटी के कलर बनाए जा रहे हैं। ये गुलाल है और गुलाल को खेलने से त्वचा पे या बालों पर कोई असर नहीं आता है, ये 100% सेफ है। तो संस्था ने ऐसा निर्णय करके, माधव गो विज्ञान केंद्र ने ऐसा निर्णय करके इस तरह का फूलों से ये कलर बनाने का काम शुरू किया है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से महिलाएं इन प्राकृतिक जो नेचुरल हर्बल जो कलर हैं, जो गुलाल हैं, उनको पैक कर रही हैं। यहाँ पे ये पैकिंग होगी, केसुला पालक के पत्तों से, गेंदों के फूल से ये कलर बनाए गए हैं, ये गुलाल बनाए गए हैं ताकि जो मानव है उनको नुकसान ना हो, वो होली को अच्छे से मना सके। आज जो केमिकल कलर आता है उसको हटाने में 10 से 20 दिन लग जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी त्वचा हमारी आंखों के लिए एक नुकसानदेह होता है और कहीं ना कहीं लोगों से उसे बचना भी चाहिए। माधव गौशाला एक उदाहरण बन रहा है और कहीं ना कहीं ये जो रंग है, ये जो गुलाल है, बाजार में जाएंगे और लोग बाग इनसे प्राकृतिक रूप से होली खेलेंगे। ब्यूरो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, News18 भिलवाड़ा। और ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर अजमेर से आ रही है, जहां पर बिहारीगंज में 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। 70 साल की महिला के घर पर चोरी हुई, अपनी बहन के घर पर पीड़ित महिला गई हुई थी। 19 तोले सोने के जेवर, चांदी सहित दूसरे सामान भी बरामद कर लिया गया है, माफ कीजिएगा चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस इनकी बरामदगी की कोशिश कर रही है, चोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर, 20 लाख की चोरी का मामला बिहारीगंज से सामने आया है, जहां पर 70 साल की महिला के घर पर चोरी हुई। अपनी बहन के घर जब पीड़ित महिला गई हुई थी तो इस दौरान चोरों ने उसके घर को निशाना बना लिया, 19 तोले सोने जेवर सहित नकदी भी लेकर फरार हो गए। भी तल्ख होने लगी है। इस बीच जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज कसते हुए नजर आए, साथ ही कहा कि मुझे जनता के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, जनता के लिए हमेशा मैं हर काम के लिए तैयार रहूंगा। मन रोके है आशा प्रयोग भक्त कृष्ण खान गुण मन दिन में 10 जना फॉर्म करे थे नाम ही मत लो अपने तुझे मैंने रगड़ो मोदी नाम मत लो नहीं हार जाओ ला और मारो दिल नहीं मने जब तक नहीं रगड़ू जरा मारो मन नहीं मने क्योंकि देश चालो लोकतंत्र खतरे में पड़ी हुआ। कहते थे ईडी आए तो ईडी कोई तो कहते ईडी ने नेता दे दिया होगा सीधे सीधे ही अरे भाई ईडी आए तो ईडी ने झेल ले हो कोई जेल तो मैंने कुत्ता तो रहे कोई यार अगर देश में लोकतंत्र बचाने वास्ते जेल जाना पड़ी तो जाऊंगा और जान देने पड़ी तो जाऊंगा। भगत सिंह बनना पड़ा भगत सिंह बनूंगा कोई कीमत माते मने कोई नहीं रोक सकेला मैं आप नेतृत्व तो करूंगा तो आप पूरे हिंदुस्तान में किसी कीमत पर आपके सिर को झुकने नहीं देंगा ये वादा कर। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह पोखरण शहर के व्यासों की बगीची पहुंचे, यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा। करण सिंह ने कहा कि शेखावत ने जनता को धोखा दिया, धोखे में रखा, सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने सांसद निधि से मिलने वाले बजट में से 4.5 करोड़ रुपए लैप्स होने की बात भी कही। और इसी के साथ ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए आपका फेवरेट शो मारो राजस्थान। UEN